गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय हिंद। लास्ट लेक्चर में हमने पूरा सीवीडी पढ़ा था, ट्रांसफॉर्म के वाइंडिंग की ड्राइंग आउट की प्रोसीजर पढ़ ली थी हमने, वीटी टेस्ट कर लिया था, देन उसके बाद पोलराइजेशन इंडेक्स भी हमने कवर कर लिया था। तो आज के टॉपिक में हम लोग कमिश्निंग, पावर ट्रांसफॉर्मर के कमिश्निंग से पहले किस कौन से स्टेप लिए जाते हैं और किस तरीके से कौन से कमिश्निंग टेस्ट किए जाते हैं पावर ट्रांसफॉर्मर पे, और फिर आगे हम लोग देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर का मेंटेनेंस किस तरीके से किया जाता है। तो आज हम लोग ये सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं, लेकिन अगर पीछे के टॉपिक अगर किसी ने नहीं देखे, किसी ने नहीं अगर चेकआउट किया, तो प्लीज जाके वो वीडियो पहले देखेगा, देन उसके बाद ये वीडियो देखेगा। नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग। पावर ट्रांसफॉर्मर के कमिश्निंग से पहले क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए? ओके, तो इसमें हम लोग 10 स्टेप, ऐसे तो हम लोग 10 स्टेप करते हैं, 10 पॉइंट्स हम लोग फॉलो करते हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा हमारा जो एसेसरीज हमारे ट्रांसफॉर्मर पे लगा हुआ है वो प्रॉपरली फिट है या फिर नहीं है, तो ये भी हमें चेक करना चाहिए जब भी हम कमिश्निंग का पावर ट्रांसफॉर्मर हम लोग करते हैं तब। अच्छा, कमिश्निंग का मतलब क्या है? कमिश्निंग का मतलब है उसे वर्किंग कंडीशन में लाना। ट्रांसफॉर्मर को इंस्टॉलेशन के बाद वर्किंग कंडीशन में लाने को ही हम लोग कमिश्निंग कहते हैं। ओके, तो हम लोग चेक करते हैं कि जो एसेसरीज ट्रांसफॉर्मर पे लगी है वो हमारी प्रॉपरली फिट है कि नहीं है। ओके, नहीं है तो हम उसे प्रॉपरली फिट करेंगे। देन सेकंड पॉइंट हम लोग क्या चेक करते हैं कि हमारा जो वाइंडिंग है उसकी ड्राइंग प्रॉपर हुई है कि नहीं हुई है। ओके, तो हम लोग ड्राइंग भी चेक करते हैं। देन थर्ड पॉइंट क्या है? फिल अप ऑयल इन द ट्रांसफॉर्मर टैंक यूजिंग द स्टैंडर्ड प्रोसीजर। ओके, यानी हम लोग क्या करते हैं, अगर ट्रांसफॉर्मर में आपका ऑयल नहीं है तो उससे अगेन हम लोग फिल करते हैं। ओके, स्टैंडर्ड प्रोसीजर यूज करके, मतलब ऑयल को हम लोग फिल्ट्रेशन करेंगे, ऑयल का फिल्ट्रेशन होने के बाद उसमें से मॉइस्चर का कंटेंट हम लोग बाहर निकालेंगे, देन उसके बाद हम लोग उसे डाइलेक्ट्रिक टेस्ट करेंगे उसके ऊपर, देन उसके बाद हम लोग उसे यूज में लाएंगे, ट्रांसफॉर्मर टैंक में डालेंगे हम लोग। ओके, देन फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट ध्यान रखने का, फिल फ्रेश सिलिका जेल इन ब्रीदर। ओके, सिलिका जेल हम लोग क्यों भरते हैं ये तो आपको सबको मैंने पहले भी बता दिया है कि हम लोग सिलिका जेल का यूज क्यों करते हैं। जब भी आपके ट्रांसफॉर्मर में ज्यादा करंट फ्लो होता है, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, ज्यादा फ्लो गर्म होता है, तो ज्यादा फ्लो करंट का होता है तो उस कारण ट्रांसफॉर्मर गर्म हो जाता है, तो उसके कारण ट्रांसफॉर्मर ऑयल भी गर्म हो जाता है, तो क्या है, ट्रांसफॉर्मर ऑयल एक्सपांड करता है। तो आपके जो कंजर्वेटर टैंक है उसमें जो आपकी एयर है, ठीक है, तो उसके कारण उसमें ट्रांसफॉर्मर ऑयल भी होता है, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो भी सिलिका जेल है वो क्या करता है, एक तरीका ब्रीदर है, वो आपका क्या करता है, जो क्लीन एयर है बाहर से, जो क्लीन एयर है वो अंदर खींचता है, और जो बाहर अंदर टैंक वाली जो आपकी खराब एयर है वो उसको ड्राई आउट करने की काम करता है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग ब्रीदर का यूज करते हैं। पांचवा पॉइंट जो हमें ध्यान में रखने का है वो है हमारा क्लीन पोर्सेलिन बुशिंग विथ ड्राई क्लोरो इथेलिन एंड वाइप विथ ड्राई क्लोथ। के जो बुशिंग्स है उसको हम लोग ड्राई क्लोरो इथेलिन और ड्राई कपड़े से हम लोग उसे साफ करते हैं। ओके, सिक्स पॉइंट जो हमें याद रखना है, सिक्स पॉइंट जो हमें कमिश्निंग से पहले हमें प्रिपेयर करना है वो हमें करना है कि चेक द इनकमिंग एंड आउटगोइंग कनेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ओके, सेवन पॉइंट है चेक द अर्थिंग ऑफ द टैंक। ये सबसे मेन पॉइंट है, चेक द अर्थिंग ऑफ द टैंक कवर, ये सबसे मेन पॉइंट है। आठवां पॉइंट है आपका मेक अर्थिंग ऑफ न्यूट्रल एज पर डायग्राम। जो भी आपका डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अर्थिंग को न्यूट्रल, अर्थिंग ऑफ न्यूट्रल यानी न्यूट्रल का अर्थिंग करना है आपको। ओके, नौवां पॉइंट जो है वो है हमारा चेक द कनेक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन सर्किट। ये भी एक मेन पॉइंट है कि प्रोटेक्शन सर्किट के हम लोगों को पूरा कनेक्शन चेक करना है कि वो कनेक्शन प्रॉपरली हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसी को हमें चेक करना है। देन दसवां पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है वो रखना है हमें कैरी आउट सेटिंग ऑफ डिफरेंट रिलेज इन द कंट्रोल रूम। ओके, तो इस तरीके से हम लोग ये पॉइंट्स, हम लोग जो 10 पॉइंट हमने यहाँ पे कवर किए वो हमें ध्यान रखने हैं, यानी वो हमें वो चीज़ हमें प्रिपरेशन करनी है बिफोर द कमिश्निंग ऑफ पावर ट्रांसफॉर्मर। ओके, नाउ कौन कौन से कमिश्निंग टेस्ट या फिर कौन कौन से हम लोग इंस्पेक्शन, कौन कौन से प्रिपरेशन हम लोग करते हैं पावर ट्रांसफॉर्मर पे,
जब भी हम लोग वो कमीशनिंग में उसे लाते हैं तब। तो कुछ टेस्ट है यहाँ पे, कुछ हमारे पास कुछ इंस्पेक्शन होते हैं जो हमें करने होते हैं, जो नेसेसरी होते हैं। जब भी हम लोग पावर ट्रांसफार्मर को कमीशनिंग में यानी वर्किंग में लाते हैं, तब हमें ये चीज करना बहुत ही जरूरी होता है। ओके, तो ये कुछ टेस्ट है। जैसे आपका पहला है विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर कंट्रोल रिले पैनल्स एक्सेट्रा। इसका मतलब क्या है कि आपको बाहर से देखना है ट्रांसफार्मर के कोई भी पार्ट जो है आपका मिसिंग तो नहीं है, या कोई पार्ट आपका प्रॉपरली फिट है कि नहीं है, ट्रांसफार्मर ऑयल आपका प्रॉपर है कि नहीं है, ब्रीदर आपका प्रॉपर नया सिलिका जेल वाला है कि नहीं है, फिर उसके कनेक्शंस देखने हैं आपको। देन कंट्रोल रिले पैनल। कंट्रोल रिले पैनल में क्या आता है आपका, जैसे आपका प्रोटेक्शन हो गया, प्रोटेक्शन के लिए आप लोग प्रोटेक्शन रिलेज यूज करते हैं ओके ट्रांसफार्मर में, तो उसका कनेक्शन आपका प्रॉपर है कि नहीं है, तो वो भी आपको विजुअली चेक करना पड़ता है, विजुअली आपको इंस्पेक्शन करना पड़ता है। देन सेकंड टेस्ट क्या है आपका, सेकंड पॉइंट क्या है आपका, सेकेंडरी इंजेक्शन टेस्ट ऑन प्रोटेक्शन रिले। सेकेंडरी इंजेक्शन टेस्ट ऑन प्रोटेक्शन रिले, इसका मतलब क्या है आपका कि जो भी आपने प्रोटेक्टिव रिलेज आपने यूज करी है ओके, तो प्रोटेक्टिव रिलेज में आपको क्या करना है, आपको सेकेंडरी सेकेंडरी इंजेक्शन का मतलब क्या है कि आपको सेकेंडरी में यानी उसके जो आउटपुट है ठीक है, उसके इनपुट में, सॉरी आउटपुट में नहीं, उनके उसके इनपुट में आपको क्या करना है, टेस्टिंग करना है। अगर अगर ऐसा कुछ कंडीशन आती है कि फॉल्टी कुछ कंडीशन ट्रांसफार्मर में आ जाती है, तो आपके रिले वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, तो वो आपको चेक करना है। देन थर्ड क्या है आपका, प्राइमरी इंजेक्शन टेस्ट ऑन अर्थ फॉल्ट रिले, ओवर करंट रिले एक्सेट्रा। ओके, यानी हमें क्या करना है, अर्थ फॉल्ट रिले और ओवर करंट रिले जो है उस पर आपको टेस्ट करना है कि अगर मान लीजिए कि आपका किसी भी तरीके का अर्थ फॉल्ट आया, तो वो अर्थ फॉल्ट आपका अर्थ फॉल्ट रिले डिटेक्ट कर पाती है कि नहीं कर पाती है। और ओवर करंट रिले का काम क्या है कि अगर करंट आपका हाई हो जाता है अचानक, तो आपको वो डिटेक्ट करके देता है कि आपका करंट आपके सिस्टम में हाई हो गया है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग अर्थ फॉल्ट रिले और ओवर करंट रिले पे हम लोग प्राइमरी इंजेक्शन टेस्ट करते हैं। देन फोर्थ है हमारा वोल्टेज रेशियो टेस्ट। वोल्टेज रेशियो टेस्ट में क्या होता है, मेजर द वोल्टेज अक्रॉस ऑल द फेजेस ऑन LT साइड फॉर ईच कैप पोजीशन गिविंग 415 वोल्ट ऑन द HT साइड। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हाई टेंशन साइड में हम लोग 415 वोल्ट देके आउटपुट में हम लोग उसका हर एक टैपिंग पे हम लोग उसका वोल्टेज लेते हैं और वोल्टेज रेशियो निकालते हैं, और हम लोग कंपेयर करते हैं मैन्युफैक्चरर से, जहाँ पे वो मैन्युफैक्चर हुआ है वहाँ पे जो टेस्ट आता है, वहाँ पे जो वोल्टेज रेशियो टेस्ट किया होता है, वो आपका जो टेस्ट है उसके जो रिजल्ट है और जो हमने वोल्टेज रेशियो टेस्ट किया उसके रिजल्ट आपके दोनों मैच करते हैं कि नहीं करते हैं, तो ये हम लोग वोल्टेज रेशियो टेस्ट में हम लोग परफॉर्म करते हैं। नाउ फिफ्थ है हमारा ट्रिपिंग टेस्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर ऑन HV साइड एंड LV साइड। ये सबसे मेन है, किसी भी प्रोसीजर के दौरान या फिर किसी भी प्रोसेस के दौरान अगर ट्रांसफार्मर में किसी भी तरीके का फॉल्ट हो रहा है, तो आपका जो ब्रेकर्स है सर्किट ब्रेकर्स है, तो वो आपका ट्रिप टाइम पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये भी टेस्ट करना बहुत ही जरूरी है। ओके, नाउ सिक्स पॉइंट है हमारा मेजरमेंट ऑफ अर्थिंग रेजिस्टेंस। अर्थिंग रेजिस्टेंस मेजरमेंट करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली ही हम आगे का कमिश्निंग का पार्ट फॉलो करते हैं। देन टेस्ट ऑन बोकोल्स रिले। देन आठवा है हमारा टेस्ट ऑन अलार्म सर्किट, अलार्म सर्किट अगेंस्ट द फेलियर ऑफ बोकोल्स रिले, टेम्परेचर ऑफ ऑयल एंड वाइंडिंग एंड कूलिंग सिस्टम। ओके, नवा पॉइंट है टेस्ट ऑन फैन एंड पंप। फैन एंड पंप क्यों, क्योंकि हमारी जो वाइंडिंग होती है उसको ठंडा रखने के लिए हम लोग या तो नेचुरली ठंडा करते हैं, और अगर बड़ा ट्रांसफार्मर होता है, अगर पावर ट्रांसफार्मर है इसका मतलब बड़ा ट्रांसफार्मर है ठीक है, ज़्यादा रेटिंग वाला, ज़्यादा MVA KVA रेटिंग वाला, तो इसमें क्या है हम लोग कूलिंग पर्पज़ के लिए हम लोग फैन यूज़ करते हैं, तो फैन हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देन अगर आपका ऑयल कूल्ड है ट्रांसफार्मर, ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर होता है, तो उसमें हम लोग पंप का यूज़ करते हैं ऑयल का सर्कुलेशन करने के लिए, तो हमारा जो पंप है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सब देखने के लिए हम लोग उस पर भी टेस्ट करते हैं। देन दसवा टेस्ट है हमारा टैप चेंजिंग मैकेनिज्म, यानी टैप चेंजिंग। दसवा पॉइंट है हमारा टेस्ट ऑन टैप चेंजिंग मैकेनिज्म। यहाँ पे क्या होता है आपका, टैप चेंजिंग मैकेनिज्म क्या है आपका, ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो आप लोग इसमें फाइंड आउट करते हैं। इलेवन पॉइंट है हमारा
इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट ऑन एचवी एंड एनवी साइड। इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट क्यों किया जाता है हमारा, ताकि उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है, आपके जो इंसुलेशन किया उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है उसको मेजर करने के लिए हम लोग इंसुलेशन टेस्ट करते हैं, ताकि क्या हो वर्किंग के दौरान आपका जो भी फ्लक्स है वो आपका एचवी साइड से एलवी साइड या फिर एलवी साइड से एचवी साइड आपका पास ऑन ना हो। ओके देन 12 है हमारा चेकिंग द ऑयल लेवल। ऑयल लेवल चेक करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर किसी कारणवश अगर आपका ऑयल कम होता है तो क्या होता है आपका हीटिंग प्रॉब्लम हो जाती है ट्रांसफार्मर में, और क्या है आपका आग लगने की भी संभावना रहती है, इसीलिए आपका ऑयल का लेवल चेक करना आपका बहुत ही जरूरी होता है। नाउ कुछ मेंटेनेंस के पॉइंट्स हैं, जैसे आपका फेलियर किस तरीके से होता है या फिर आप किस कौन से उसमें फेलियर अगर होता है तो आप किस मेजर उसको रखते हैं, ठीक है, तो उसके कुछ पॉइंट्स है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में किस किस तरीके के आपके फेलियर हो सकते हैं और आपको क्या करना है उस टाइम पे, यानी आपको किस तरीके का मेजर करना है, तो वो आपको ध्यान रखना है, तो वो भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे देखिए ट्रबल है आपकी, अगर मान लीजिए ओवरलोड हो गया, तो ओवरलोड के पॉसिबल कॉजेस कौन कौन से हैं और रिकॉर्ड ऑन, तो ये क्यों होता है हमारा, तो इसमें क्या होता है आपका मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ लोडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर टोटल नंबर एंड देयर कनेक्टेड लोड्स। इसका मतलब क्या है, आपके डिस्ट्रीब्यूशन साइड में आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो आपका रिकॉर्ड रखता है कि आपके ट्रांसफार्मर पे आपका कितना लोड है, यानी आपके मान लेते हैं सोसाइटी के बाहर कोई ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो उस पे कितने कितने घरों का लोड है, तो वो कैलकुलेशन आपकी रखता है आपका डिस्ट्रीब्यूटर, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या करता है ट्रांसफार्मर की रेटिंग रखता है। अगर ये मान लीजिए कि ये मेंटेन नहीं किया गया रिकॉर्ड, तो इससे क्या होगा आपका जो आपका ट्रांसफार्मर अगर मान लेते हैं कि छोटा है और उस पे लोड एक छोटा ट्रांसफार्मर है, छोटा केवीए का ट्रांसफार्मर है, तो उस पे क्या है आपका छोटा लोड मतलब कम लोड की बजाय आपका ज्यादा लोड हो जाता है। पब्लिक घर में 2 AC लगा देती है, फ्रिज लगा देती है, टीवी चल रहा है घर में, तो क्या है उसके कारण लोड ट्रांसफार्मर पे बढ़ जाता है, तो इससे क्या होता है ओवरलोडिंग की कंडीशन हो जाती है ट्रांसफार्मर पे। ओके तो रिकॉर्ड को मेंटेन रखना बहुत ही जरूरी है। ओके तो इस तरीके से हम लोग इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर आपका जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन रखता है और उसके अकॉर्डिंगली वो आपका ट्रांसफार्मर चूज करता है, तो क्या है कि आपकी ओवरलोड की जो प्रॉब्लम है वो आपकी ओवरकम हो सके, यानी ओवरलोडिंग की प्रॉब्लम से बचा जा सके। दूसरा कॉज क्या है, सैंक्शनिंग द लोड विदाउट टेकिंग इन अकाउंट टू द लोडिंग ऑन ट्रांसफार्मर। इसका मतलब क्या है आपका कि आपका जो भी आपने ट्रांसफार्मर रखा वो पुराना रखा लेकिन उस पर आपने लोड बढ़ा दिया, आपने ट्रांसफार्मर को चेंज ही नहीं किया, तो इसके कंडीशन में भी आपका ओवरलोड हो सकता है, तो इसमें क्या होता है आपका इसमें क्या कर सकते हैं आप लोग इंस्टॉल न्यू ट्रांसफार्मर, नया ट्रांसफार्मर आप लोग डाल सकते हैं। देन तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, थेफ्ट ऑफ पावर यानी बिजली की चोरी, ये सबसे मेन प्रॉब्लम है गांव में, अभी भी प्रॉब्लम है। ओके और बड़े बड़े शहरों में भी अभी है, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं है, हर जगह ये प्रॉब्लम है थेफ्ट ऑफ पावर की, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, रिमूव इनलीगल कनेक्शन, जो भी आपके इनलीगल कनेक्शन है उसे रिमूव करना चाहिए ताकि ओवरलोडिंग की प्रॉब्लम से बचा जा सके। एंड अनबैलेंस लोडिंग, तो इसमें कौन कौन से पॉसिबल कॉज हो सकते हैं, एब्सेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ फेज लोडिंग, यानी आपके आपके पास जो भी फेज का एक फेज पे आपका कितना लोड जा रहा है, एक फेज पे आपका कितना लोड है, दूसरे फेज पे आपका कितना लोड है, तो इससे क्या होता है अगर मान लेते हैं कि आर फेज पे आपका ज्यादा लोड है और वाई फेज पे कंपैरेटिवली कम लोड है, तो क्या होगा अनबैलेंस लोडिंग होगी, इसके कारण क्या आपका ट्रांसफार्मर ट्रिप भी हो सकता है या फिर ट्रांसफार्मर पे ओवरलोडिंग कंडीशन भी हो सकती है, तो ये सब क्या है एब्सेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ फेज लोडिंग, इसके कारण भी हमारा अनबैलेंस लोडिंग हो सकती है, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ फेज वाइज लोडिंग। ओके सेकंड हमारा कॉज क्या हो सकता है, इम्प्रॉपर सर्विस कनेक्शन कंज्यूमर विदाउट टेकिंग अकाउंट ऑफ फेज लोड, ठीक है, और उसका हम लोग क्या कर सकते हैं फेज कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है, तो घर की गिनती एक सोसाइटी में कितना घर है तो उसकी गिनती के अकॉर्डिंगली हमें एक फेज पे उसको लोड देना चाहिए,
ताकि अनबैलेंस लोडिंग की कंडीशन ना हो और ट्रांसफार्मर के भविष्य में ट्रांसफार्मर के ट्रिप होना या फिर ओवरलोडिंग जैसी कंडीशन ना हो, इसलिए हमें प्रॉपर प्रॉपर सर्विस कनेक्शन करने चाहिए। थर्ड कॉज है हमारा, थर्ड ट्रबल हो सकती है लो ट्रांसफार्मर ऑयल लेवल। इसके में इसके लिए क्या होता है, इसके कॉज क्या होते हैं, इसका कॉज होता है लीकेज ऑफ ऑयल, ऑयल का लीकेज होना, सिंपल है। तो इसमें आप क्या करेंगे, टाइटनिंग ऑफ जॉइंट्स, प्रॉपर सीलिंग ऑफ वाल्व और यूज आरईसी वाल्व। ओके, नाउ फोर्थ ट्रबल क्या हो सकती है हमारी, लो वैल्यू ऑफ ब्रेकडाउन वैल्यू, बीडीवी की लो वैल्यू होना, बीडीवी की लो वैल्यू होना। इसके कारण क्या है आपका, इसके कारण क्या होता है आपका, जो ऑयल है और उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस, ऑयल का जो रेजिस्टेंस है यानी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, वो कम होना, समझ गए। तो इसके प्रॉब्लम्स, इसके कॉजेस कौन कौन से हो सकते हैं, इसके कॉजेस हो सकते हैं आपका मॉइस्चर होना, कंटामिनेशन ऑफ ऑयल, इसका मतलब गंदगी होना, आपके इंसुलेशन का जलना, आपके फॉर्मेशन ऑफ एसिड ड्यू टू सेल्यूलॉइड और वार्निश जो हम लोग यूज करते हैं इंसुलेशन में, उसके कारण क्या होता है, एसिड का फॉर्मेशन होता है, तो उसका फॉर्मेशन होना। देन आपका स्लज का फॉर्मेशन होना, हीटिंग के कारण आपका स्लज का फॉर्मेशन होना, ये भी आपकी एक पॉसिबल कॉज है आपके लो बीडीवी की। तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, पीरियडिक चेकिंग कर सकते हैं, बर्निंग हुआ है कि नहीं हुआ है वो भी हम लोग चेक कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मर ऑयल का फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये जो लो बीडीवी की वैल्यू ट्रबल है उसे हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। पांचवी हमारी ट्रबल क्या है, एब्सेंस ऑफ अर्थिंग, या फिर आप बोल सकते हैं इम्प्रॉपर अर्थिंग। ओके, इम्प्रॉपर अर्थिंग भी आप लोग उसे बोल सकते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, इसके कॉज कौन कौन से है, हाई रेजिस्टिविटी ऑफ सॉइल इन अर्थक्वेक, इसलिए आपका अर्थिंग रेजिस्टेंस का पहले टेस्ट किया जाता है, ताकि अर्थिंग यहाँ पे हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा वो आपके आप लोग वो ध्यान में रख सके। ओके, तो अगर आपका हाई रेजिस्टिविटी है तो आप क्या करेंगे, चेकिंग द रेजिस्टिविटी ऑफ सॉइल अर्थ पिट एंड रिनोवेशन ऑफ अर्थ पिट और मेकिंग अ न्यू अर्थ पिट। ओके, सेकंड पॉइंट, सेकंड नंबर पॉज क्या हो सकता है, डिस्कनेक्ट और रस्टेड अर्थ वायर, ठीक है, यानी अर्थ का डिस्कनेक्शन होना या फिर उस पर आपका रस्टिंग होना, ये भी एक प्रॉब्लम है इम्प्रॉपर अर्थिंग की। तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, उसका ओवरकम कैसे कर सकते हैं, पीरियडिकली उसे चेक करना चाहिए और अगर ऐसा कुछ होता है तो उसे रिप्लेस कर देना चाहिए। सिक्स प्रॉब्लम है हमारी लाइटनिंग की। तो लाइटनिंग के लिए क्या होता है, उसमें कॉज कौन कौन से होते हैं, हाई रेजिस्टिविटी ऑफ ऑयल, ये भी एक मेन कॉज है आपका। ओके, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, रेजिस्टिविटी को चेक करना चाहिए, वही सॉइल का अर्थ का रेजिस्टिविटी और उसे रिनोवेशन करना चाहिए, देन उसके बाद हमें न्यू पिट बनाना चाहिए। ओके, फिर दूसरा क्या हो सकता है, अंडरसाइज अर्थ लूप फ्रॉम कंडक्टर टू द लाइटिंग अरेस्टर। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, यूजिंग द प्रॉपर साइज ऑफ अर्थ लूप, डिस्कनेक्ट हो सकता है या फिर अरेस्टर वायर हो सकता है, कॉमन अर्थिंग हो सकती है, एब्सेंस ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर या फिर डैमेज लाइटनिंग हो सकती है। ओके, तो उसके कारण भी आपका लाइटनिंग इशू आपका रह सकता है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, पीरियडिकली चेकिंग करनी चाहिए अर्थ कनेक्शन की, अर्थ लूप को और लाइटनिंग अरेस्टर को हमें सेपरेट कर देना चाहिए, फिर इंस्टॉल लाइटनिंग अरेस्टर और रिपेयर द डैमेज लाइटनिंग अरेस्टर। तो ये कुछ हमारे जो पॉइंट्स हैं जो हमें लेना चाहिए, जो हमें ध्यान में रखने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पे टोटल हमारे किस तरीके से हम लोग ट्रबल होती है, अकर होती है, देन उसे हम लोग ट्रबल शूट किस तरीके से करते हैं, तो ये उसकी पूरी लिस्ट है। जैसे आपका इम्प्रॉपर और पुअर केबल टर्मिनल हो गया, तो उसके कॉज कौन सा, लूज कनेक्शन हो सकता है, पुअर लगिंग हो सकती है, लगिंग का मतलब क्या है, आपके जो वायर होते हैं उसके आप में उसके आगे आप एक लग टाइप एक लगाते हैं, तो उससे क्या है आपका, जैसे आपको नट बोल्ट फिट करना है और प्रॉपर कनेक्शन करना है तो वो आपका इजी हो सके, इसलिए आप लोग उसे लगिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे आप लोग, अगर आपके लूज कनेक्शन है तो आप उसे टाइट करेंगे और अगर पुअर लगिंग है तो प्रॉपर लगिंग करेंगे यूजिंग द अप्रोप्रिएट साइज ऑफ लग्स, ठीक है। देन बर्निंग ऑफ ट्रांसफार्मर,
अगर मान लीजिए ट्रांसफॉर्मर आपका जल जाता है, तो ये प्रॉब्लम किस तरीके से हुई, ये किस कॉज से हुई? तो ये कॉज हुआ आपका, ये हो सकता है कि ऑयल आपका लीकेज हो रहा है टर्मिनल के नजदीक पे, तो उस कारण क्या है आपका फ्लैश हो रही है। तो इसमें इस टाइम पे आप क्या करेंगे, टाइटनिंग ऑफ टर्मिनल्स एंड जॉइंट्स एंड रिप्लेस द बर्न गास्केट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो रहा है केबल में ड्यू टू फेलियर ऑफ द इंसुलेशन, तो इसमें क्या करेंगे, पीरियोडिकली चेकिंग होगा इंसुलेशन का। देन फायर हो रही है फायर ड्यू टू वीड्स जंगल एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे आप, पीरियोडिकली क्लीनिंग करेंगे आप। एक्सटर्नल शॉर्ट सर्किट भी आपका हो सकता है, तो उसके कॉज कौन कौन से हैं आपके, लॉन्ग एलटी लाइन स्पान है, पुअर सेफ्टी क्लियरेंस है, सैगिंग ऑफ कंडक्टर है, एक्यूमुलेशन ऑफ डस्ट ऑन बुशिंग्स है, और कॉन्टेक्ट ऑफ कंडक्टर विथ ट्री और ब्रांचेस ऑफ ट्री। ये आपके कॉजेज हो सकते हैं एक्सटर्नल शॉर्ट सर्किट के। तो इसमें क्या करेंगे आप लोग, अगर आपका एलटी स्पान लॉन्ग है तो आप इरेक्शन ऑफ इंटरमीडिएट पोल, मतलब जहाँ पे नेसेसरी है वहाँ पे आप बीच में पोल लगा देंगे, ताकि ये जो आपका लंबा एलटी का जो स्पान हो रहा है, जो झुकाव हो रहा है, वो आपका कम हो सके। ताकि क्या है कि कंडक्टर और पृथ्वी यानी अर्थ के बीच में आपका किसी भी तरीके का जो आपका वोल्टेज का वोल्टेज का आदान प्रदान, ठीक है, वोल्टेज का इधर से उधर ना हो सके। ओके, देन अगर आपकी पुअर सेफ्टी क्लियरेंस है तो आपको प्लेस प्रेशर वेयर द नेसेसरी एंड मेंटेन सेफ्टी क्लियरेंस ऑफ बिटवीन कंडक्टर, ये भी आप कर सकते हैं एक्सटर्नल शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए। सैग को मेंटेन कर सकते हैं आप एज पर द स्टैंडर्ड, और बुशिंग को आप क्लीनिंग कर सकते हैं। ओके, और रेगुलर आपको जंगल क्लीनिंग करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका कंडक्टर से कंडक्टर का ट्री के साथ या फिर आपका किसी ट्री के ब्रांच के साथ अगर आपका कॉन्टेक्ट हो गया, तो करंट वहां से पास हो जाएगा, ट्री से पास हो जाएगा, तो क्या हो सकता है आपका शॉर्ट सर्किट की कंडीशन हो सकती है। ऐसे ही आपका कंडीशन ओवर रेटेड फ्यूज हो सकता है, फ्लैश ओवर है आपका, लैक ऑफ टेस्टिंग ऑफ एंड ट्रांसफॉर्मर सब स्टेशन इक्विपमेंट, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो क्रिएट हो सकती है, और उसके कॉज भी यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, तो कॉज भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, तो देन आपके पीडीएफ में से पढ़ के आप इसे याद कर सकते हैं। ओके, नाउ ये छोटा सा एक टॉपिक बताया अपना, इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। ओके, फॉर्टनाइटली इंस्पेक्शन, मंथली इंस्पेक्शन, क्वार्टरली इंस्पेक्शन और हाफ ईयरली इंस्पेक्शन और एनुअली इंस्पेक्शन। ओके, तो इस तरीके से हम लोग उसके इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन करते हैं। फॉर्टनाइटली का मतलब है डेली, डेली हमें क्या चेक करना चाहिए ट्रांसफॉर्मर के इंस्पेक्शन में, हमें डेली क्या चेक करना चाहिए, ब्रीदर चेक होता है डेली और ऑयल लेवल इन ट्रांसफॉर्मर, ये आपका डेली चेक होता है। ओके, तो इसमें इंस्पेक्शन नोट में क्या लिखना चाहिए, चेक द एयर पैसेज आर क्लियर, क्लीन द एयर पैसेजेस, अगर आपके एयर पैसेजेस क्लियर नहीं है तो आप उसे क्लियर करिए। उसमें क्या करते हैं, ब्रीदर में आप लोग सिलिका जेल का कलर चेक करते हैं, अगर आपका कलर पिंक से ब्लू हो रहा है तो क्या करेंगे हम, इसको रिप्लेस कर देंगे न्यू सिलिका जेल से। ऑयल लेवल ट्रांसफॉर्मर ये डेली चेक होता है आपका, ठीक है, आपको ऑयल का लेवल आपको चेक करना है, अगर ऑयल का लेवल आपको कम है तो उसे आपको टॉप अप करना है, मतलब भरना है, दया नया करना है, और हमें चेक करना है कि लीकेज तो नहीं हो रहा ऑयल कहीं से। ये भी मंथली चेकिंग में हमारा क्या होता है, एच टी और एल टी टर्मिनल के कनेक्शन चेक होते हैं, कनेक्शन आपका प्रॉपर है कि नहीं है, कनेक्शन आपका टाइट है कि नहीं है, अगर आपका लूज होता है कनेक्शन तो वापिस उसे टाइट किया जाता है, वापिस उसे लगिंग किया जाता है वापिस। ठीक है, एक्सप्लोजन वेंट भी हम लोग चेक करते हैं, ताकि कभी गर्मी के कारण कभी आपकी टैंक अगर आपकी फटती है, तो मतलब टैंक अगर आपका ज़्यादा गर्म हो जाता है तो आपका एक्सप्लोजन वेंट जो है आपका ओपन, यानी ओपन हो रहा है प्रॉपरली कि नहीं हो रहा है, तो उसमें हम लोग वो भी चेक करते हैं कि ये जो एक्सप्लोजन वेंट है उसमें कुछ क्रैक तो नहीं हुआ, कुछ उसको डैमेज तो नहीं हुआ, अगर कुछ क्रैक या डैमेज होता है तो हम लोग उसे नेसेसरी मतलब उसे रिपेयर करते हैं। ओके, डायफ्रेग्राम, डायफ्रेग्राम में क्या होता है आपका प्रेशर रिलीफ डिवाइस है आपका, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग चेक करते हैं ऑयल का स्पिलेज, स्पिलेज का मतलब कि ऑयल आपका बाहर तो नहीं आ रहा है। ओके, तो उस तरीके से अगर आपका बाहर आ रहा है तो आप क्या करते हैं उसे बाहर आने से रोकते हैं। क्वार्टरली में आप लोग क्या चेक करते हैं, बुशिंग्स की टेस्टिंग होती है,
तो उसमें आप लोग क्या करते हैं, क्रैक्स और डर्ट का डिपॉजिट कितना हुआ वो हम लोग देखते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसे क्लीन और रिप्लेस करते हैं, ठीक है, बुशिंग्स को। देन हम लोग क्या एक्सटर्नल कनेक्शन भी चेक करते हैं। एक्सटर्नल चेक क्यों करते हैं हम लोग कनेक्शन, ताकि कुछ लूज ना हो, अगर लूज है तो उसे हम लोग टाइट करते हैं। हाफ ईयरली में आप क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मर का टेस्ट करते हैं विदाउट कंजर्वेटर टैंक। तो इसमें क्या होता है, मॉइस्चर कितना कवर हो रहा है वो हम लोग चेक करते हैं। तो उसमें उस टाइम में क्या करते हैं, कैरी आउट द मेंटेनेंस ऑफ ब्रीदर। केबल बॉक्स हम लोग हाफ ईयरली चेक करते हैं, गास्केट जॉइंट्स हम लोग हाफ ईयरली चेक करते हैं, गेजेस हम लोग, ये सब हम लोग हाफ ईयरली चेक होता है। तो उसमें हम लोग उसका इंस्पेक्शन करते हैं, और केबल बॉक्स में कुछ प्रॉब्लम है, गास्केट जॉइंट्स में कुछ प्रॉब्लम है, गेजेस में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा डिफेक्ट है उसे हम लोग नोटिस करते हैं, उसे रिप्लेस कर देते हैं। एनुअल, एनुअली में क्या होता है, हमारा ऑयल का ट्रांसफॉर्मर हमारा चेंज होता है, चेक होता है पहले, तो चेक करते हैं उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी एसिडिटी यानी एसिडिटी कितना प्रोड्यूस हो रहा है, स्लज कितना प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसे फिल्टर करते हैं, ठीक है। और एनुअली हमारा अर्थ रेजिस्टेंस भी चेक होता है, यानी वो हमें अर्थ रेजिस्टेंस चेक करना ही चाहिए, और उसे हमारा इट शुड बी लेस देन द 1 ओम, 1 ओम से कम ही होना चाहिए, और अगर 1 ओम से ज्यादा है तो टेक द सुटेबल मेजर्स इफ द अर्थ रेजिस्टेंस इज मोर, ओके। तो इस ये तरीके थे कुछ हमारे जो हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, मेंटेनेंस शेड्यूल होता है ड्यूरेशन ट्रांसफॉर्मर डेली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली, ओके। तो आज के लिए हम लोग फिलहाल इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर की ट्रबल शूटिंग किस तरीके से करते हैं, अगर किसी पार्ट में कुछ तरीके का फॉल्ट हो रहा है तो उससे क्या क्या कॉज है और उसकी क्या क्या रेमेडी है,